الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हमारे बहुत ही प्यारे भाई जनाबे जुल्फिकार खान साहब, जनाबे अहमद खान तनूली, जनाबे काजी महमूद साहब, जनाबे डॉक्टर तारिक हुसैन शेराजी साहब, जनाबे मौलाना अब्बासी साहब, हमारे बहुत ही महबूब भाई जनाबे कारी महबूबुर रहमान और मेरे दरबन के बहुत ही काबिल एहतराम गैरतमंद बहादुर बाशऊर बुजुर्गो भाइयों दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं देखता हूँ कि यहाँ बड़ी तादाद में नौजवान है और बुजुर्ग है और मैं इख्तिसार के साथ आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं कि जो गरीब और अमीर के लिए बराबर हो। हम अदालत चाहते हैं जिसमें गरीब और अमीर के बजाय जालिम और मजलूम के दरमियान फैसला हो, जालिम को सजा मिले, मजलूम को हक मिले। हम एक ऐसा निजाम तालीम चाहते हैं कि जो सदर पाकिस्तान के बेटे के लिए हो, वही निजाम तालीम और निसाब तालीम दरबन बाजार के चौकीदार के बेटे के लिए हो। हम एक ऐसा निजाम चाहते हैं कि जिसमें हुकूमत वक्त वक्त टैक्स लेने वाली कंपनी ना हो, उसके मिसाल माँ बाप की तरह हो और माँ बाप आप तो देखे भी हैं और आप है भी, कमजोर पर ज्यादा रहम करता है, कमजोर बच्चे का ज्यादा ख्याल रखता है। अस्सुल्तान वलीयुन मल्ला वली लहू, हुकूमत उसका वारिस है जिसका कोई वारिस ना हो। हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें जुल्म ना हो, जिसमें गुर्बत ना हो, जिसमें करप्शन ना हो, जिसमें कोई भूखा न सोए, जिसमें कोई तालीम से महरूम न रहे, जिसमें कोई इलाज से महरूम न रहे। हम एक ऐसा पाकिस्तान की तलाश में है जिसमें कानून सबके लिए बराबर हो। लेकिन मैं पुरानी बातों को छोड़कर आज की बात रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कानून है, इलेक्शन कमीशन का कानून है, हर उम्मीदवार पर, हर सियासी वर्कर पर उस कानून की पाबंदी लाजमी है, हुकूमत पर भी और अपोजिशन पर भी उस कानून की पाबंदी लाजमी है। तो इस कानून में यही बात मौजूद है कि जो सदर और वजीर आजम हो,
जो वजीर आला और गवर्नर हो वो इलेक्शन मुहिम नहीं चलाएगा, वो उन इलाकों का दौरा नहीं करेगा जहां इलेक्शन हो रहा हो, इसलिए कि वो जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है वो सिर्फ पार्टी लीडर का नहीं है, वो आवाम का है। वो जो तेल इस्तेमाल करता है वो आवाम का है। तो या तो वो हेलीकॉप्टर हर उम्मीदवार को दिया जाए, वो सहूलत हर सियासी वर्कर को दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का कानून है कि जब तक इलेक्शन हो रहा हो सदर वजीर आलम गवर्नर और वजीर आला उन इलाकों का दौरा नहीं करेगा जहां इलेक्शन हो रहा हो। मैं आप भाइयों से कहना चाहता हूं कि इमरान खान ने कौम के साथ वादा किया था तब्दीली का, कौम के साथ वादा किया था कानून की हुक्मरानी का, कौम के साथ वादा किया था मेरठ के बालादस्ती का, लेकिन इसी कानून ने उनको पाबंद किया है कि इलेक्शन के दौरान वजीर आजम के हैसियत से वो दौरा नहीं करेंगे। उन्होंने दीर पाइन का दौरा किया, इलेक्शन कमीशन ने मना किया और उसके बावजूद भी वो वहां गए। उसने स्वाद का दौरा किया, इलेक्शन कमीशन ने मना किया, उसके बावजूद भी सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके सरकारी जहाज में वो वहां गए। उसने दरगई में जलसा किया, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके सरकारी जहाज पर बैठकर वो वहां पर गए और उस दिन मलाकन डिवीजन के हजारों पुलिस मैन को और हजारों सरकारी कारकुनान को पटवारियों को सिविलियन के कपड़े पहनाकर उनके जलसे में बिठाए गए। मैं कहना चाहता हूं कि एक बार नहीं चार बार उन्होंने इलेक्शन के कवानीन के खिलाफ वर्जी की और आज के अखबारात गवाह है। इमरान खान को 50,000 रुपया जुर्माना किया, महमूद खान को भी जुर्माना किया, उनके वजीरों को भी जुर्माना किया, लेकिन ये एक पाकिस्तान नहीं है, ये दो पाकिस्तान है। बड़ों के लिए वजीर आजम के लिए एक और कानून, मेरे और आपके लिए एक और कानून। वजीर आजम आज उसी सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके मानसेरा की तरफ आ रहे हैं और कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूं कानून को, मैं नहीं मानता हूं इलेक्शन कमीशन को। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं एक आम आदमी के हैसियत से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करता हूं और जहां सुर्ख बत्ती रोशन हो जाए मैं कड़ा होकर अपने ड्राइवर को समझाता हूं कि आपने सुर्ख बत्ती का एहतराम करना है। रिक्शे वाले, ट्रक वाले, टैक्सन वाले और मेरे दरमियान कोई फर्क नहीं है, मैं उसका इंतजार करता हूं। लेकिन वक्त का हुक्मरान उस उसूलों की पाबंदी नहीं करता है, उसका ऐलान यही है कि मैं नहीं मानता हूं कवानीन को। मैं इसलिए आज डरबन के हवाले से, डरबन के आवाम से पूछना चाहता हूं कि जो वजीर आजम एक बार नहीं चार बार एक महीने में पाकिस्तान की कानून की खिलाफवर्जी करता है, क्या ऐसे शख्स को एक दिन के लिए मजीद वजीर आजम रहना चाहिए? मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि यह वजीर आजम जिसको आपने 50,000 रुपया जुर्माना किया है, यह वजीर आला
जिसको इलेक्शन कमीशन ने 50,000 रुपये जुर्माना किया है, अब ये बाकायदा मुजरम है। एक मुजरम को वजीर आजम नहीं होना चाहिए, एक मुजरम को वजीर आजम नहीं होना चाहिए, एक मुजरम को वजीर नहीं होना चाहिए। ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है। कानून न माना, चोर इसलिए चोर होता है कि वो अल्लाह का कानून नहीं मानता है, चोरी करता है। वो मुल्क के कानून नहीं मानता, वो चोरी करता है। तो आप मुझे बताएं, इनके इस अमल और उस चोर के अमल में कोई फर्क है? या तो आप मुझे भी कहते हैं कि सिराज मैं भी दौरे करूंगा, हेलीकॉप्टर यूज करूंगा और आपको भी मैं हेलीकॉप्टर मुहैया करूंगा, लेकिन नहीं नहीं, मैं रात गिर में था और सारी रात सफर करके आपके पास आया हूं और ये इस्लामाबाद में आपके टैक्सों से हेलीकॉप्टर में बैठकर कभी सात का दौरा, कभी तेमलघरा का दौरा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब वजीर आजम एक बल्दियाती इलेक्शन का मुहिम चला रहा हो तो ये इस बात की अलामत है कि लोगों ने उसको मुस्तरद किया है, लोग उससे नफरत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं वजीर आजम साहब, आपको मुहिम चलाने की जरूरत नहीं है, आपका कारकर्दगी बताएं, आपने 3 सालों में क्या किया, आपका कारनामा बताएं, आपने 3.5 सालों में अवाम के लिए क्या किया। इसलिए इस बात की जरूरत नहीं है कि आप दीर आकर वहां सराजुल हक का मिजाक उड़ाए और कहीं और जाकर बाकी सियासी लीडरों को गालियां दें। अगर आपकी तकरीर गालियों पर है तो आप इस्लामाबाद के अपने दफ्तर में बैठकर ये गाली दे सकते हैं, खुदारा गाली देने के लिए हमारी हेलीकॉप्टर में बैठकर गरीब आवाम का तेल और पैसा इस्तेमाल करके इतने दूर दराज जाकर उछल कूद की तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं आपको भी एहसास हुआ है कि आप नाकाम हो गए हैं, आपको भी एहसास हो गया है कि आपने एक वादा भी पूरा नहीं किया, आपको भी एहसास हो गया है कि आपने महंगाई के कोड़े आवाम पर बरसाए हैं, आपने बेरोजगारी का तोहफा आवाम को दिया है, आपकी हुकूमत में 16% करप्शन में इजाफा हुआ है, आपकी हुकूमत में कश्मीर पर इंडिया ने कब्जा मस्तहकम किया है, आपकी हुकूमत में कादियानियों को अहम अहम आसानियों पर बिठाया गया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और मेरे दोस्तों, पीटीआई की हुकूमत जो खुद कहते हैं कि सुनामी और सुनामी बर्बादी का नाम, सुनामी तबाही का नाम, सुनामी गुर्बत का नाम, सुनामी महंगाई का नाम, सुदनामी बदनामी और बिल आखिर इसका खात्मा इंशाअल्लाह ताला अब होकर रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि मुझे क्यों निकाला गया, चंद दिन बाद वही फिक्र इमरान खान इस्तेमाल करेंगे कि मुझे क्यों निकाला गया। लेकिन इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या जरदारी साहब हो, इन तीनों ने इस कौम के साथ इंसाफ नहीं किया, इन तीनों ने इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम कायम नहीं किया। इनको यही एक काम आता है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्ज लेकर अपने लोगों को नवाजना, अपने कारखानों में इजाफा करना, अपने बैंक बैलेंस में इजाफा करना, अपने शुगर मिल्स में इजाफा करना और आवाम को शुगर समझते हैं। ये सियासी बरहमन है और मैं आवाम से अपील करता हूं कि आइंदे इलेक्शन में इन सियासी बरहमनों की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर ले। हम तब्दीली चाहते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं
आप पीडीएम के साथ है या आप पीटीआई के साथ है। मुझे अदब से कहना पड़ता है, मौलाना फजल रहमान साहब भी इस वक्त जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की इमामत में खड़े हैं। जिस सियासत की क़यादत जरदारी साहब के हाथ में हो, तो उस सियासत और पीटीआई की सियासत में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों इस्तेमार के अदायकार है, ये सबसे सब साम्राज्य एजेंट है। इसलिए मैंने कहा बाबा सलाम वालेकुम, तुम्हारी सियासत से मैं नफरत करता हूँ। ये मुफादात की सियासत है, ये जागीरदारों की सियासत है, ये करप्शन की सियासत है। और तुम्हारी मुफादात की सियासत में मैं अपना मुखलिस कारकुन ईंधन नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला कलमे के झंडे के साथ, सात दामन के साथ, अपने मंसूर के साथ, तराजू के निशान के साथ जद्दोजहद करूंगा। और वो दिन जरूर आएगा इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान हकीकी मानों में हम एक इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आज दरबन आया हूँ। दरबन एक ऐसी जगह है कि जिसके तरक्की के इम्कानात मौजूद है। आपके साथ ये जो पानी मौजूद है, इस पानी का हर खतरा खुदा की कसम सोने से ज्यादा कीमती है। आपके बुजुर्गों ने अपने कब्रिस्तानों तक मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बान किया। आज वहां पानी कड़ा है, लेकिन मुझे अफसोस है कि इन तुम्हारे हुक्मरानों ने दरबन के साथ इंसाफ नहीं किया, दरबन के साथ वफादारी नहीं की। मुझे आज ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस मैं कर रहा हूँ कि मैं ठीक है, एक बार आया था, यहाँ कॉलेज का तोहफा दिया, मैं फिर आया, मेरे हेल्थ मिनिस्टर ने तुम्हारे उस छोटे से हॉस्पिटल को अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड किया। लेकिन आज मैं कॉलेज से भी ज्यादा अजीम तोहफा, हॉस्पिटल से भी ज्यादा अजीम तोहफा दरबन के आवाम को देने जा रहा हूँ। एक ऐसा तोहफा जो आपके लिए नहीं, आपके आइंदा नस्लों के लिए जरूरी है और उस ज़ुल्फ़िकार खान की ज़ियारत है। लीडरशिप की वजह से अल्लाह जब किसी कौम पर मेहरबान होता है, उनको अच्छी क़यादत देता है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने फरमाया था कि जहां 100 गीदड़ों की क़यादत एक शेर की हाथ में हो, उस पर हमला ना करो, लेकिन जहां 100 शेरों की क़यादत एक गीदड़ की हाथ में हो, उस पर हमला करो। आप ऐसे हर बच्चा बच्चा शेर है, शाहीन है, गैरतमंद है, लेकिन इस गैरतमंद कौम की क़यादत ऐसे करकश उनके हाथ में आई है कि उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में साबिका तारीख की तरह एक बार फिर इस्लामाबाद में मुफादात की जंग है। और खुद पीटीआई की बुरी में ऐसे सुराखें हो गई हैं कि मुसलसल उससे मिंबर गिरते हैं, निकलते हैं, भागते हैं। और ये मिंबरान बड़े सियाणा है, धूपती किश्ती से हर कोई चिल्लांग लगाने की कोशिश करता है। आज ये किश्ती डूब रही है और उनके अगले लोग भाग रहे हैं। और इमरान खान साहब कहते हैं इन्होंने जमीर बेचा है, कहते हैं इन्होंने 18 करोड़ रुपया लिए हैं। तो इमरान खान साहब, जब ये लोग
2018 से कबल इसी तरह पैसे ले लेकर तुम्हारे तरफ आते थे, उस वक्त के ऐसा मुझ पर रोष नहीं थे, आप ही ने इन जमीन परोशों के कंधों पर चढ़कर इक्तदार तक पहुंचने का फैसला किया था। आपने ये नहीं देखा ये हराम है या हलाल है, बस जो कुछ मिला था आपने अपने बूरी में आपने अपने मैदे में उतारने की कोशिश की। आज वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, कभी एमकेएम में होते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में होते हैं, कभी मुस्लिम लीग में होते हैं, कभी पीटीआई में होते हैं, मुफादात और अपनी मोहब्बत के इश्क में गिरफ्तार। यही एक टोला है जिन्होंने आपकी इस मुल्क को आपकी इस कौम को तबाह किया है। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहानी है कि एक ताजर कहीं सफर पर जा रहे थे, उनके साथ सोना था, वो सोना अपने दोस्त के साथ रखा कि मैं वापस आऊंगा तो आपने वापस करना। तो जब वो अपने सफर से वापस आए, दोस्त से मुतालिबा किया कि सोना वापस करो। उन्होंने कहा कि क्या करूं यार, हमारे घर में ऐसे अजीब चूहे हैं कि उन्होंने वो सारा सोना खाया है, अब तुम्हारा सोना नहीं है। वो बेचारा रो पड़ा, परेशान हुआ, गर गया। तो ये हमारे माए बहने भी बाद औकात बड़ी होशियार होती हैं, बल्कि हमेशा होशियार होती हैं। उन्होंने अपने शौहर को कहा कि रोना मोना बंद कर लो और इस दोस्त को बुला लो यहाँ और उनको दावत दे दो। तो जब उनके लोग आ गए, दावत पर बैठ गए, खाने के दौरान उस मेहमान का एक बच्चा कहीं गायब हो गया। जाते वक्त उन्होंने मुतालिबा किया कि मेरा बेटा कहाँ गया, छोटा बेटा था वो कहाँ गया। उसने कहा कि हमारे गांव के ये जो कौवा है बहुत खतरनाक है, उसने तुम्हारे बेटे को उठाया और पकड़ कर ले गए। तो उसने कहा ये कैसा कौवा है जो बच्चे को उठा कर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस गांव के चूहे सोना खाते हैं उस गांव के कौवे बच्चों को भी उठा कर ले जाते हैं। ये चूहे मौजूद है तुम्हारी सियासत में, ये चूहे मौजूद है तुम्हारे दीवानों में, ये चूहे मौजूद है। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि अगर आपने इन चूहों का इलाज आज न किया तो आपकी आइंदा नस्लें भी इसी तरह तबाह और बर्बाद होंगे, जिस तरह हम रो रहे हैं कि पाकिस्तान में अदल नहीं है, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। बस मेरे प्यारे भाइयों, बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, ये आपकी विजन का, ये आपकी दानिश का, ये आपकी अकल का इम्तिहान है कि क्या उन पुराने सांपों के मुंह में दूध डालकर अजरहा बनाना चाहते हैं, या एक ऐसे शाह साफ और शफाफ किरदार का मालिक जुल्फिकार की तरह, अहमद ननूरी की तरह, कादी महमूद की तरह नौजवान जमात इस्लामी ने पेश किए हैं। ये जो हमने पेश किए हैं ये आपके सरदारी नहीं, ये आपकी खिदमत के लिए हमने पेश किए हैं। हमने अपने कारकुनान को कुर्बान करके आपकी खिदमत में पेश किया है। मेरे दरबंद के लोगों, मैं दो बार सीनियर मिनिस्टर रहा हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ, मैं जंगलात का मिनिस्टर रहा हूँ, और जंगलात का मिनिस्टर था मुझे मालूम है। यहाँ मानसेरा के एक आदमी ने स्मगलिंग की, मैंने उनको 1,60,00,000 रुपये जुर्माना किया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मेरे बुजुर्ग बूढ़े वालिद को गाड़ी में बिठाकर समरबाग से पिशावर तक पहुंचाया अपनी सिफारिश के लिए। मेरे बाप को पता नहीं था कि स्मगलर है, उनको यही बताया था कि मौलवी साहब एक गरीब आदमी हूँ और तुम्हारा बेटा जुल्म कर रहा है। वो बड़े गुस्से में मेरे पास आए, मुझे उनके सामने ढांटा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने अबू को कहा कि अबू आपकी बात मानूं या अल्लाह की बात मानूं। उन्होंने कहा अल्लाह की बात मानूं।
इंसाफ करो, इस आदमी ने जुल्म किया है, इस आदमी ने मानसेरा के जंगलात को, इस आदमी ने बटगराव की जंगलात को तबाह किया है। मुझे याद है जब उसने मुझे गाड़ी की चाबियां दी, मुझे याद है जब उसने मुझे नित्यागनी में एक बंगले का अफर किया, मुझे याद है कि जब उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ आप कबूल नहीं करते हैं तो आपको याद रहना चाहिए पाकिस्तान में उजरत की खातिर आज कर सिर्फ 5 लाख रुपया लेते हैं। मैंने कहा बाबा मैं जमात इस्लामी वाला हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, आम मिनिस्टर नहीं हूँ। और आज हम आपके सामने हैं कि इस मुल्क में 70 नैब ने केसेस बनाए हैं, केसेस वैसे नहीं बनाए हैं, इन्होंने चूड़ियां की है, जमात इस्लामी का कोई लीडर उसमें नहीं है। मेरे भाइयों इस मुल्क में पनामा लीक्स में आपके इस मुल्क के तमाम सियासी लीडरों के नाम मौजूद है, जमात इस्लामी के किसी कारकुन का नाम नहीं है। इस मुल्क में पंडोरा पेपर सामने आया, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीटीआई सबके नाम मौजूद थे, अगर किसी का नाम